आपकी एक योजना है आरआरटीएस की जो मेरठ तक चल रही है, मेरी मांग है कि उसको बढ़ाकर सहारनपुर तक और इधर मेरे लोकसभा क्षेत्र नगीना धामपुर तक की जाए। नगीना श्योरा किरतपुर में और ब्रिज बनाए जाएं। आपके समय में पास हुआ, बजट नहीं लागू हुआ, बस बजट जारी कर देंगे तो ये काम हो जाएगा। मैं खुद वहाँ कहीं कहीं घंटे फंसा रहा। नजीबाबाद से नई दिल्ली के लिए सुबह के समय एक ट्रेन चला दी जाए, मैं भी अक्सर आता हूँ तो बहुत समय लगता है। एक मांग देश भर की है रेल मंत्री जी, मुंबई में एक दादर रेलवे स्टेशन है, बहुत चैत्य भूमि के बड़े नजदीक है, बहुत पूरे देश के दुनिया के लोग वहाँ जाते हैं, उसका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर किया जाए, बहुत बड़ी मांग है। बहुत धन्यवाद सभापति जी, आपने रेल बजट पे मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। माननीय रेल मंत्री जी हमारे बीच में हैं, आपकी एक योजना है आरआरटीएस की जो मेरठ तक चल रही है, मेरी मांग है कि उसको बढ़ाकर सहारनपुर तक और इधर मेरे लोकसभा क्षेत्र नगीना धामपुर तक की जाए। एक बहुत बड़ी संख्या वहां से रोजगार के लिए दिल्ली आती है, हमें बहुत फायदा होगा। इसके साथ ही मेरी ये मांग है कि नजीबाबाद से मुंबई के लिए एक ट्रेन चला जाए, बहुत सारा हमारा कारोबार और वर्कर जो है, क्योंकि हम जहां नगीना से मैं आता हूं लोकसभा क्षेत्र से, वहां वुड कवरिंग का एक बड़ा काम, और मेरा विश्वास है कि अगर ये करेंगे तो इससे रोजगार में भी बहुत बड़ा फायदा होगा। तो मुंबई के लिए एक ट्रेन नजीबाबाद से चलाई जाए। इसके अलावा नगीना श्योरा किरतपुर में और ब्रिज बनाए जाएं। आपके समय में पास हुआ, बजट नहीं लागू हुआ, बस बजट जारी कर देंगे तो ये काम हो जाएगा। मैं खुद वहां कहीं कहीं घंटे फंसा रहा, डबल ट्रेन आए तो एक एक घंटे खड़ा होना पड़ता है। माननीय लोग बड़े परेशान थे, समय कमी आप जानते हैं, तो मेरी आपसे ये भी मांग है कि नगीना श्योरा किरतपुर में और ब्रिज बनाया जाए, और कालाखेड़ी क्रॉसिंग, जलालाबाद क्रॉसिंग के ब्रिज के नीचे अंडरपास का निर्माण करा जाए, और नजीबाबाद से नई दिल्ली के लिए सुबह के समय एक ट्रेन चला दी जाए। मैं भी अक्सर आता हूं तो बहुत समय लगता है, तो मेरी आपसे मांग है। दूसरा, साथ में नगीना रेलवे स्टेशन की लंबाई बढ़ाई जाए, ये 300 मीटर बढ़ाई जाएगी तो इससे एक फायदा ये होगा, ट्रेन के कुछ डब्बे पीछे रहते हैं जंगल में तो महिलाएं उतरती हैं तो सुरक्षा खतरा रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय। तो इस समय इसलिए मैं मांग करूंगा कि इसका 300 मीटर एरिया बढ़ा देंगे नगीना का रेलवे स्टेशन का, तो फायदा होगा। साथ साथ 12327, 12269, 14237, 12092, 14649 नंबर की जो ट्रेनें हैं उनका स्टॉपेज अगर मान्यवर हमारे यहाँ हो जाए नगीना में तो बहुत फायदा हो जाएगा। मेरी आपसे ये भी आग्रह है कि जो रेलवे में संविदा कर्मी लगे हैं उनको परमानेंट कर दिया जाए, वो हमसे मिलते हैं, शिकायत करते हैं। और महोदय, रेलवे में एससी एसटी के बच्चों को, ओबीसी के बच्चों को, जो कमजोर वर्ग के हैं, जो संविदा पे आपके यहाँ रोजगार मिलता है तो उनको प्रायोरिटी दी जाए। रेलवे विभाग में बैकलॉग जो है 2.5 लाख है, ये आप ही का जवाब है, और इनमें से 1.5 लाख पद ऐसे हैं जो रेलवे सुरक्षा जुड़े हुए हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। मेरी आपसे आग्रह है कि इस पर काम किया जाए, बैकलॉग भरा जाए। एक मांग देश भर की है रेल मंत्री जी, मुंबई में एक दादर रेलवे स्टेशन है, बहुत चैत्य भूमि के बड़े नजदीक है, बहुत पूरे देश के दुनिया के लोग वहां जाते हैं, उसका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर किया जाए, बहुत बड़ी मांग है। साथ साथ रेलवे के लोको पायलट के जो है मान्यवर 14429 पद खाली हैं, बहुत रेल दुर्घटना हो रही है, ज्यादा से ज्यादा अगर रेल लोको पायलट के पद भरे जाएंगे तो लोको पायलट पर दबाव कम होगा, और उनकी सेवा शर्तों में अगर सुधार किया जाए तो ऐसा करने रेल हादसों में कमी आएगी। पहले एससी एसटी के बच्चों को कोई पेपर रेलवे का होता था, उड़ीसा जाए कहीं जाए तो पास मिलता था मान्यवर, वो सरकार में बंद कर दिया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो फायदा होगा। रेलवे में स्लीपर कोच बढ़ाए जाएं, गरीब आदमी उसमें सफर करता है और कई जैसे वीडियो आती है देख के डर लग जाता है, इस तरह से लोग बीच बीच के जो हैं एक तरह किस तरह का वो कर रहे हैं। हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं हमारा देश, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है अगर ये काम भी हो जाए कि स्लीपर कोच बढ़ जाए तो भी बहुत लोगों को सफर में आसानी हो जाएगी। आर्थिक स्थिति बहुत लोगों की अच्छी नहीं है, इसका उदाहरण यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बताते हैं कि 85 करोड़ लोग 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। और अगर आप मेरी मांगों पर गौर करेंगे मान्यवर, तो मेरी क्षेत्र की जनता आपका बड़ा सम्मान करेगी, आप में बड़ा जो है विश्वास वो करती है। आपने वहां काम भी कराया, धामपुर में कई जगह काम कराया है, वो अलग है कि नगीना की जनता ने आपको मौका नहीं दिया, उन्होंने मुझे मौका दिया, लेकिन आप उनसे गुस्सा ना, आपका प्यार उनके प्रति बना रहना चाहिए। साथ साथ एक मेरी बहुत बड़ी मांग ये है, ये धार्मिक आस्था जुड़ा पर्सन है और आप लंबे समय से रेल मंत्री हैं, आज ही मुझे सुबह फोन आया पंजाब से, जब उनको पता लगा कि रेल बजट पर चर्चा होगी और उनको पता लगा चंद्रशेखर को मौका मिलेगा। ये जालंधर से बनारस बेगमपुरा एक्सप्रेस चलती है मान्य, और आपकी जानकारी में भी होगी,
ये धार्मिक कार्यक्रम होता है हमारा। समाप्त करें। जी कंक्लूड कर रहा हूँ, बनारस में सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती पे मनुअल समाप्त करें। जी समाप्त कर रहा हूँ, 10-20 सेकंड में समाप्त कर दूंगा। इसमें समस्या ये है कि 50 लाख रुपए भी देते हैं स्पेशल ट्रेन का, लेकिन गंदगी होती है, बहुत बुरा होता है। हमारे संत गुरु महापुरुष रहते हैं, इसका ध्यान रखा जाए। साथ साथ दो स्पेशल ट्रेन, जो मिला ट्रेन चलती है, एक जालंधर से बनारस और एक भटिंडा से बनारस, इनमें भी जो सफाई की व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। आप तो बीजेपी के लोग सब आस्था धर्म की बात करते हैं, तो जब कमजोर वर्गों के धर्म की बात आती तो उनका भी सम्मान किया जाए। ये हमारे गुरुओं का आदेश है और मैं आपसे आग्रह करता हूँ इस बार आप ध्यान देंगे।